लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। मुजफ्फरनगर सीट से हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। हरेंद्र मलिक वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे। हालांकि किसान नेता के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरेंद्र मलिक की पहचान है और सांसद वो आसपास के इलाकों में यहाँ जाने जाते हैं। क्या कुछ माहौल है और मुजफ्फरनगर की जनता इस हरेंद्र मलिक को लेकर क्या कुछ सोचती है, ये हम बात कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सागर डबास। सागर, क्या मानते हैं हरेंद्र मलिक को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया? समाजवादी ने हरेंद्र मलिक को टिकट दिया जी, अपना मान के दिया। गठबंधन था पहले चौधरी जयंत जी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का, लेकिन कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जी को वे अच्छे नहीं लगे या उनका भरोसा नहीं था, क्योंकि हरेंद्र मलिक जी एक टिकाऊ नेता नहीं। पिछले 10 साल से वे 2-3 पार्टी छोड़ कर आगे, उस वजह से मुझे लगता नहीं कि ये जीत पावे या टिक पावे। अच्छा, उनकी काफ़ी अच्छी एक पकड़ है किसानों के बीच या परिवार के बीच, वो मलिक काफ़ी आगे प्लस पॉइंट नहीं है, क्योंकि जाट नेता थे हरेंद्र मलिक भी और दूसरे जो बीजेपी से भी हो कोई सभी हो, जिस जाट नेता ही जयंत चौधरी थे वही अब बीजेपी के साथ एनालिस जाके तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ने का, ना बाजार का अपना मलिक का अपना चौधरी का। अच्छा, मुद्दे क्या है इस चुनाव के लिए? मुद्दे तो ये है कि बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं सरकार को रोजगार पर भी ध्यान देना चाह, और सुरक्षा भी है, सड़क ठीक होगी पर सुरक्षा महंगाई पर, और किसानों का अगर ध्यान दे दे तो शायद बीजेपी को कोई हरा ना पाओ। आपका नाम? राजू पांचाल। सर, क्या मानते हैं हरेंद्र मलिक प्रत्याशी बनाए गए हैं, जमीनी नेता है किसानों के भी प्रत्याशी? नहीं, उनकी पहले से कोई राजनीति की छवि है और मजबूत आदमी है, ऐसी बात नहीं है कि वे अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ भाई, क्या एक ही समाज इलेक्शन लड़ता रहेगा? यहाँ पर और समाज भी है, अति पिछड़ों को भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है। हम तो ये चाहते हैं सबको, सबका साथ सबका विकास इस तरीके से होना चाहिए। ये लोग जो हैं जिला मुजफ्फरनगर के सिर्फ वोट ही देने के लिए पैदा हुए, इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। उसमें प्रजापति समाज है, कश्यप समाज है, विश्वकर्मा समाज है, पाल समाज है, सैनी समाज भी है। मेरा तो ये मानना है कि अन्य जातियों को भी यहाँ मौका मिलना चाहिए, वे भी तो आगे बढ़ना जानते हैं,